हेलो, इकोनॉमिक्स का मेरा एक सीरीज़ यूट्यूब पर ऑलरेडी चल रहा है, जो लेक्चर वन और लेक्चर टू से मैं उसको अपलोड करता हूँ। जो एक समय के साथ मीन्स अगले 2-3-4 महीने में वहाँ मैं इकोनॉमिक्स के उस सिलेबस को जो यूपीएससी से रिलेवेंट है उसको मैं उस सीरीज़ में ख़त्म कर दूंगा। यहाँ मैं इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक आज समझते हैं, या हम सब साथ पढ़ते हैं उसको, कि यह जो टॉपिक है उसका नेम है फाइनेंशियल मार्केट, और यू कैन से इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है और इसी से बहुत सारा क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे अभी कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। लेमन टर्म में अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट के डेफिनेशन को बताऊं, या बताऊं कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट, तो एक ऐसा मार्केट जहां कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप पैसे का लेन देन करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, उस मार्केट को, या वैसे जगहों पर, या भी वैसे चीज़ों को जहाँ इन सब तरह का ट्रांजेक्शन होता है, उसको हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन को अगर देखा जाए कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के लिए द मार्केट ऑफ एन इकोनॉमी वेयर फंड्स फंड्स मीन्स मनी आर ट्रांजेक्टेड बिटवीन द फंड सरप्लस एंड फंड स्कार्स इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट। सो द मार्केट, एनी मार्केट ऑफ एनी इकोनॉमी, इकोनॉमी मीन्स यू कैन से कंट्री और एनी इकोनॉमी, जहां फंड्स मीन्स मनी आर ट्रांजेक्टेड बिटवीन फंड सरप्लस, फंड सरप्लस मीन्स द पीपल हु हैव मोर मनी, एंड फंड स्कार्स मीन्स दोज हु डोंट हैव मनी। सो जिनके पास ज्यादा पैसा है, जिनके पास कम पैसा है, उन दोनों के बीच में, या हम देखते हैं जनरली कि इन एनी बिजनेस इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती रहती है कि हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, या हो सकता है कि हमें टेम्पोरली पैसों की जरूरत पड़े किसी भी बिजनेस में। तो इन सब चीज़ों के मिसमैच को खत्म करने, आगे मैं बताऊंगा कि इसका नीड क्यों पड़ा फाइनेंशियल मार्केट का, या इसके जो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट। तो यह जो होता है फाइनेंशियल मार्केट, वो फंड सरप्लस और फंड स्कार्स इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बीच होता है। यह दो सेगमेंट में होता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कैन बी इन टू सेगमेंट, या दो सेगमेंट में होता है। वन इज मनी मार्केट, एंड द सेकेंड वन इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को अगर समझे, दो टर्म में होता है फाइनेंशियल मार्केट, जो ऐसा मार्केट जहां फंड सरप्लस और फंड स्कार्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, और यह दो सेगमेंट पे होता है। फर्स्ट सेगमेंट इज मनी मार्केट, सेकेंड सेगमेंट इज कैपिटल मार्केट। तो लेट्स सी व्हाट इज मनी मार्केट। This is called short time financial market. Short time financial market means कि इसका जो पीरियड होगा अप टू 364 डेज होगा। अप टू 364 डेज मीन्स यह जो ट्रांजेक्शन होगा एक साल से कम समय के लिए होगा, यह जो ट्रांजेक्शन होगा एक साल से कम समय के लिए होगा। यानी मीन्स इसका जो मैक्सिमम पीरियड होगा वह 364 डेज होगा, मीन्स कि यह जो ट्रांजेक्शन होगा कम समय के लिए होगा, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। कैपिटल मार्केट मीन्स द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट
यह जो मार्केट में जो ट्रांजेक्शन होगा एवर 364 डेज के लिए होगा, या 364 दिनों से ज्यादा के लिए होगा। मीन्स की यू कैन से कि यह एक साल, दो साल, चार साल, पांच साल के लिए हो सकता है कैपिटल मार्केट। हम अभी कैपिटल मार्केट को टच नहीं करेंगे, वी विल गो विथ मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट जो अप टू 364 डेज के लिए होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, इसकी क्या नीड है, इसके क्या और भी अदर तरह की इसके रिक्वायरमेंट्स है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके और टाइप्स क्या है, किन किन तरह के ब्रांचेज में मनी मार्केट हेल्ड होता है, किया जाता है, तो इन सब क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जहाँ ट्रांजेक्शन किया जाता है। जनरली मनी मार्केट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जहाँ फंड स्कार्स और फंड सरप्लस जो लोग है, इंडिविजुअल है या कोई भी ग्रुप है, और इस इंडिविजुअल और ग्रुप में जनरली आता है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ सकता है, कंपनी आ सकती है, बैंक आ सकता है, गवर्नमेंट आ सकती है। तो ये सब जो जब ट्रांजेक्शन करते हैं मनी मार्केट में, कि हर इंस्टीट्यूशन को कभी ना कभी पैसे की जरूरत पड़ती ही है, तो इन सब में किस किस तरह से मनी का ट्रांजेक्शन होता है उसको देखते हैं मनी मार्केट के थ्रू, कि मनी मार्केट में इनका क्या रोल है। सो